जब तेरी नजरों के तू कभी 101 कभी 102 जाने मन ये गीत नहीं दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपना मुखर्जी के सिंगिंग करियर के बारे में, मतलब किन फिल्मों से इन्होंने बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत की थी। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। 1986 में आई थी फिल्म जांबाज और इसके 3 गाने सपना मुखर्जी ने ही गाए थे। पहला गाना था इससे कम है और दूसरा गाना था जब जब तेरी सूरत देखूं और इस गाने में इनका साथ दिया था महेश गादरी। और आखिरी गाना था तेरा साथ है कितना प्यारा और इस गाने में इनका साथ दिया था किशोर कुमार। साथ है कितना प्यारा हम लगता है तीन मिलन की लगन में हमें आना दुनिया में दोबारा। और फिर 1989 में आई फिल्म त्रिदेव और इस फिल्म में सपना मुखर्जी ने 5 गाने गाए थे। पहला गाना था तिरछी टोपी वाले और इस गाने में इनका साथ दिया था अमित कुमार ने। तिरछी टोपी वाले भोले भाले को याद आने लगा है लगा है छननो वाले बीबी भोले भाले आने लगी है जाने लगी है लगी है। और दूसरा गाना था गजब ने किया है इशारा और इस गाने में इनका साथ दिया था अलका याग्निक और साधना था दिल ले गई तेरी बिंदिया और इस गाने में इनका साथ दिया था अमित कुमार ने। अरे दिल ले गई तेरी बिंदिया मुझको इंडिया इस जहान में हिंदुस्तान में और अगला गाना था तिरछी टोपी वाले का सैड वर्जन और इस गाने में इनका साथ दिया था और आखिरी गाना था उसे तूफान कहते हैं और इस गाने में इनका साथ दिया था। और फिर 1989 में आई फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी और इस गाने में इनका साथ दिया था कुमार शानू ने। फिर 1990 में आई फिल्म
मुकद्दर का बादशाह, और इस गाने में इनका साथ दिया था अमित कुमार ने। और फिर 91 में आए फिल्म त्रिनेत्रा, और इस गाने में इनका साथ दिया था एसपी बाला सुप्री अय्यम ने। और फिर 92 में आए फिल्म यलगार, और इस फिल्म में सपना मुखर्जी ने दो गाने गाए थे। पहला गाना कुमार शानू ने गाया था, हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई चुभन मीठी सी अगन क्यों यार, न जाने कोई चुभन मीठी सी अगन क्यों यार, न जाने कोई है कैसे प्यार, न जाने कोई। दूसरा गाना था आखिर तुम्हें आना है उदित नारायण के साथ। बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती, फिर तुम्हें आना है, देर लगेगी बारिश का बहाना है, देर लगेगी। अपना समझाई कब, तुम तो मुझे दुश्मन समझते हो तुम। और फिर 92 में आए फिल्म त्रियागी, और इस फिल्म में सपना मुखर्जी ने एक गाना गाया था, और इसमें इनका साथ दिया था कुमार शानू ने। हाँ दिल घबराता है, मीठा दर्द जगाता, हम जल्दी से हम गुटका सा जाता है, टेलीफोन किया है और फिर 93 में आए फिल्म आंखें, और इस फिल्म में भी सपना मुखर्जी ने एक ही गाना गाया था, और इसमें इनका साथ दिया था कुमार शानू ने। खट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे, पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे, तो जल्दी करो रोने को आएंगे, मरास की सखियां भी लाएंगे। और फिर 94 में आए क्रांतिवीर, और इस फिल्म में भी सपना मुखर्जी ने एक ही गाना गाया था, और इस गाने में भी उनका साथ दिया था अमित कुमार ने। आए फिल्म आतिश, और इस फिल्म में भी सपना मुखर्जी ने एक गाना गाया था, और इस गाने में इनका साथ दिया था कुमार शानू ने। और फिर 94 में ही आई फिल्म छोटी बहू, और इस फिल्म में भी सपना मुखर्जी ने एक गाना गाया था, और इनमें इसका साथ दिया था कुमार शानू ने। ओ लैला हम तुम पे दिल जान से मरता है, हम पीछे पीछे फिरता है, आई वांट टू मैरी यू, और फिर 94 में आए फिल्म क्रांति किशित्रा, और इस फिल्म में भी सपना मुखर्जी ने दो गाने गाए थे। पहले गाने में इनका साथ दिया था कुमार शानू ने। आने मन ये गीत नहीं की आवाज है, तू ही मेरा है, तू मेरा दूसरा गाना था हम
हम तेरे दीवाने, और इस गाने में इनका साथ दिया था विनोद राठौर ने। दीवाने हैं हम तेरे दीवाने, मैं सारी दुनिया और फिर 95 में आए फिल्म जमाना दीवाना, और इस फिल्म में भी सपना मुखर्जी ने एक गाना गाया था, और इस गाने में इनका साथ दिया था विनोद राठौर ने। मैं हर कोई खो गया, जमाना दीवाना हो गया, जमाना प्यार में हर कोई खो गया, जमाना दीवाना। और फिर 95 में आया फिल्म आंदोलन, और इस फिल्म में भी सपना मुखर्जी ने एक ही गाना गाया था, और गाने के में साथ दिया था कुमार शानू। नजर में तू, जिगर में तू, जहां देखो पुनः बनाया है, दिल मेरा चुराया है। और फिर 95 में आए फिल्म जख्मी सिपाही, और इस फिल्म में सपना मुखर्जी ने एक ही गाना गाया था, और इस गाने में उनका साथ दिया था अभिजीत भट्टाचार्य जी ने। चेहरा दे दे हाथों में, आँखें आँखों में, लिप्स टू लिप्स, लिप्स टू लिप्स, लिप्स टू लिप्स। और फिर 97 में आए फिल्म जुदाई, और इस फिल्म में भी सपना मुखर्जी ने एक ही गाना गाया था, और इस गाने में उनका साथ दिया था अभिजीत भट्टाचार्य जी ने। और फिर 99 में आए फिल्म राजा जी, और इस फिल्म में भी कुमार शानू के साथ सपना मुखर्जी ने एक ही गाना गाया था। संडे की रात थी, मुलाकात थी, वो थी मैं था, वो थी हालात थी, हाय और फिर 2005 में आए फिल्म बेवफा, और इस फिल्म में सपना मुखर्जी ने एक गाना गाया था, और इस गाने में उनका साथ दिया था कुमार शानू ने। इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, हम तो किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।